उत्तराखंड में जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा ने विकास कार्य कराना शुरू कर दिया है, जिसके चलते आज काशीपुर विधायक जी की माने तो करोड़ों रुपए की लागत से 4 सड़कों का शिलान्यास किया गया। बता दें कि काशीपुर की जनता द्वारा लंबे समय से विधायक हरभजन सिंह चीमा से सड़कों के निर्माण कार्य कराए जाने की मांग की जा रही थी। सड़कों का निर्माण कार्य न होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते आज काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा ने नगर निगम मेयर उषा चौधरी सहित अन्य कार्यकर्ताओं के साथ सैनिक कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी, ग्राम रामनगर, एक्सपोर्ट फर्म में 1,04,60,000 की कीमत से सड़कों का शिलान्यास किया, जिससे लोगों को जल्द ही गड्ढों से नहीं गुजरना पड़ेगा। ये सैनिक कॉलोनी का क्षेत्र है। आज हमने अपनी विधायक निधि से 4 नहीं बल्कि बहुत सारी सड़कें काशीपुर की पास करवा रखी हैं, जिनमें से 4 सड़कों का आज हमने शिलान्यास करना। उसके लिए सैनिक कॉलोनी में हम आज एक सड़क का शिलान्यास यहाँ पर कर रहे हैं, 3 सड़कों का भी और करना है। इसके अलावा राज्य सेक्टर में भी बहुत सारी सड़कों की स्वीकृति हमें प्राप्त हो चुकी है, वहाँ भी काम शुरू होने जा रहा है। ये लॉकडाउन होने की वजह से सारा काम रुक गया था, सारा विकास रुक गया था। अब लॉकडाउन में कुछ ढील आई है, तो हमारा प्रयास है कि अब हम तेज़ी से जो ढील आने से जो काम हमारा ढीला पड़ गया, विकास ढीला पड़ गया, उसका विकास को हम तेज़ी से आगे बढ़ाएं। और लोगों को ये कहने से कम उनको मौका नहीं मिलना चाहिए कि साहब भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही, कर जो नहीं रहे हैं वो है, जो कर रहे हैं वो दिन में भी कर रहे हैं, शाम में भी कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। तो दिल से करने वालों के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए था। आज ये सड़क का चौड़ाई का थोड़ा मामला था, और जैसा यहाँ के लोगों ने चाहा है कि इसकी चौड़ाई पूरी स्वीकृत कर दी जाए, वो कर दी गई।